गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों देखिए आप पढ़ रहे थे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, और पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत हम आपको पढ़ा रहे थे पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना में हमने आपको बताया था कि लैंगिक जनन में पुष्प के मुख्य अंग होते हैं जो क्या करते हैं, निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं। अधिकांश पुष्पों में यानी कि पादपों में पुष्पों की पत्तियों को क्या चार प्रकार से रूपांतरित किया गया है, यानी कि उन्हें बांटा गया है, किसमें, बाह्य दलपुंज में, दलपुंज में, पुमंग में और जायांग में, यानी कि पुंकेसर में और स्त्री केसर में। तो इसी प्रकार जो नर के जनन अंग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पुंकेसर, और स्त्री के जनन अंग होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्त्री केसर। तो देखिए पुष्प की जो संरचना थी पिछले में हमने आपको इसकी डेफिनेशन लिखा दी थी, तो आज हम इसके आपको स्ट्रक्चर के द्वारा बताएंगे। तो आज इसका डायग्राम बनाएंगे, तो लिख लीजिए, सबसे पहले बनाइए। ये आपका है पराग कोष और ये है
तंतु और इस पूरे भाग को, अब ये पूरा आपको स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं इस तरह पूरे का रखना है। और ये दूसरा भाग है जिसे कहते हैं वर्टिकल, जैसा कि हमने आपको उस दिन आपको बताया था ये है वर्टिकल, वर्टिकल इसका जो भाग ये है, ये है वर्टिकल, इसका ये भाग है इसे कहते हैं अंडाशय, इसे कहते हैं अंडाशय और अंडाशय अंडक या, और ये जो आपका है ये है बीजाणु। वर्टिकल से लेकर जो यहाँ तक का भाग है वो पूरा भाग कहलाता है स्प्लिकेशन। ये जो आपका ये है जो हमने आपको बताया था कि जो प्रकाश से हरा रहता है उसे हम कहते हैं वायदल। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका मकरंद। देखिए जब मक्खियां लगती हैं या कीट लगते हैं तो जो मकरंद होता है इसे चूसते हैं, ठीक है। ये आपका दल है, ये पराग नली है, तो ये जो भाग है पूरा ये पुष्प जो नीचे आप देख रहे हैं ये पुष्पाशय है और ये पुष्पग्रंथ है। इस पे क्या होता है? पुष्प लगा होता है। पुष्पग्रंथ, वायदल, बीजाणु, अंडक, अंडाशय, वर्टिका, वर्टिका, वृद्धोति, परागनली, परागनली, अंकुरित परागकण, परागकोष, तंतु दल, मकरंद ग्रंथि, ठीक है। अब इसके हम आपको सारे भाग बताएंगे, अभी आप ये बना लीजिए। ये है पुष्प के विभिन्न अंग की अनुदैर्ध्य काट, लिख लीजिए पुष्प के विभिन्न अंगों की अनुदैर्ध्य काट। पुष्प के विभिन्न अंगों की अनुदैर्ध्य काट, बना लीजिए। फिर इसके बाद हम आपको एक एक चीज इसकी लिखा रहे हैं। बन गया होगा तो देखिए, अभी सिर्फ अब मौखिक लिखा बता रहे हैं, फिर आपको रिटर्न करना है। जैसे सबसे पहले क्या है? पुष्प ग्रंथ है, यानी कि वाह दल है। सबसे पहले जो हमने आपको बताया था एक एरो के द्वारा वाह दल, दलपुंज, पुमंग और स्त्री के सर, तो सबसे पहले वाह दल है। वाह दल का मतलब होता है
बाहरी घेरे से हरी पत्ती नुमा संरचना जो पुष्प की अवस्था से सुरक्षा करती है पुष्पदल की संगठित रूप से वायुदल कहलाती है। देखिए वायुदल है और ये कैसी संरचना होती है, मोटी दृढ़ होती है, इससे क्या करती है वायुदल यानी कि पुष्पग्रंथ को पकड़े रहती है, पुष्प को पकड़े रहती है, इसीलिए हम उसे पुष्पग्रंथ कहते हैं वायुदल। ये यानी कि वायुदल इसलिए है, सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब कोई कली या मठ निकलती है तो उसके ऊपर हरा आवरण होता है, वह उसे क्या करती है रक्षात्मक कवच होता है उसका, उसे ढके रहती है, ठीक है, इसीलिए इसे वायुदल पुंज कहते हैं। फिर जो दल है, दल क्या है यानी कि दल आप जो देख रहे हैं इस तरीके से ये दल है, दल क्या है, ये रंगीन पत्तियों का आवरण होता है यानी कि रंगीन रंगीन पत्तियां दिखाई देती हैं आपको, जिससे क्या होता है कोई भी उसे देख के आकर्षित होता है, कीट देख के आकर्षित होते हैं, पक्षी देख कर आकर्षित होते हैं। ये आकर्षित क्यों करते हैं, ये करते हैं परागकण के लिए, क्योंकि कीट जब आकर्षित होंगे तो अपने साथ जो परागकण लिए होंगे वो इनके पास आ जाएंगे, तो सभी दलों में दलपुंज कहते हैं। इसके बाद जो पुतंतु निकला होता है आपने देखा होगा कि अगर छोटा पुष्प है तो उसमें भी विभिन्न प्रकार के पीले पीले ऐसे से आपको बीज से दिखाई देंगे बीज में, तो कई प्रकार के देखेंगे उसमें प्रकार से बीच में क्या होंगे गुच्छा सा लगा होगा, तो ये क्या होता है पुंकेसर इसमें होते हैं, और पुतंतु यानी कि नर जननांग एक पुष्प से कई पुंकेसर पर पाए जाते हैं, पुंकेसर का लंबा भाग होता है जो इसे सहारा देता है, जो इसमें हमने आपको बनाया वो क्या है इस प्रकार का पुंकेसर किसमें पाया जाता है गुड़हल के पुष्प में, देखा है बाहर की ओर लंबा सा निकला रहता है। अंकुरित पर आगड़ होते हैं, तो चलिए अब हेडिंग हम लिखा रहे हैं आपको, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वायुदल, सबसे पहले नीचे से ही शुरू करते हैं, हेडिंग डाल लीजिए वायुदल, जैसा कि हमने आपको बताया था वायुदल दलपुंज उमंग और जायान, तो लिखिए वायुदल में लिखेंगे बाहरी घेरे में हरी पत्ती नुमा संरचना, बाहरी घेरे में हरी पत्ती नुमा संरचना जो पुष्प की पत्ती नुमा संरचना होती है, पत्ती नुमा हरी पत्ती नुमा, आपने गुलाब की कलियां देखी होंगी सबसे पहले हरा हरा आवरण होता है उसके ऊपर, फिर वह खिलता है धीरे, तो हरी पत्ती नुमा संरचना जो पुष्प की कली अवस्था में, जो पुष्प की कली अवस्था में सुरक्षा करती है, पुष्प की कली अवस्था में सुरक्षा करती है वह वायुदलपुंज कहलाती है, वह वायुदलपुंज कहलाती है। लिख लिया, अब दूसरी हेडिंग डालेंगे, दूसरी क्या है दल डालिए, दल हेडिंग डालेंगे दल, दल क्या है देखिए, ये आपने देखा इसको काट दिए तो अनुप्रस्थ काट काट के दिखा दिए, इस तरीके का पुष्प होता है और यहाँ पर इस तरीके की क्या होती है ये इसका पुतंतु क्या है, पुष्पग्रंथ है, ये पुष्पग्रंथ है इसका, और जो यहाँ पे जो हरा भाग था वो इस तरीके से लटक आता है पुष्प के लिए, तो ये बोलो बायदल और ये खादलपुंज कैसे होते हैं, ये रंगीन क्या करते हैं कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो लिखिए रंगीन पत्तियों से युक्त होते हैं, रंगीन पत्तियों से युक्त होते हैं जो पुष्प के जननांगों को सुरक्षा देते हैं, जो पुष्प के जननांगों को सुरक्षा देते हैं तथा कीटों को परागकण हेतु आकर्षित करते हैं। अब देखिए कीट यहाँ पर उड़ रहे हैं, अब वो यहाँ पर भी ऐसे ऐसे क्या है अब यहाँ पर कीट बैठे हुए हैं, अब कीट
इसने क्या किया, इसने आकर्षित किया, तो यहाँ से कीट बैठा था, इसने परागण अपने चिपका लिए और यहाँ गया, यहाँ बैठ गया, यहाँ पर उसने पंख फड़फड़ाए, यहाँ पर गिर गया। यहाँ पर क्या है नीचे, क्या है ये अंतरिक्ष परागण, परागणी है, तो ये यहाँ तरकते तरकते कहाँ पहुँच गई, यहाँ पर पहुँच गए। इस तरीके से क्या हो जाता है, परागकण का ट्रांसफर हो जाता है। क्या लिखा, परागकण हेतु आकर्षित करते हैं, इन्हें दलपुंज कहते हैं, इन्हें दलपुंज कहते हैं। अब हेडिंग डालेंगे पुंकेसर, पुंकेसर लिखेंगे, पुंकेसर का फूला हुआ भाग, पुंकेसर का फूला हुआ भाग जिसमें परागकण स्थित होते हैं, जिसमें परागकण स्थित होते हैं, जिसमें परागकण स्थित होते हैं। फिर अगली लाइन से लिखेंगे, नर जननांग एक पुष्प में, नर जननांग एक पुष्प में, नर जननांग एक पुष्प में कई पुंकेसर पाए जा सकते हैं, नर जननांग एक पुष्प में कई पुंकेसर पाए जा सकते हैं। फिर अगली लाइन से लिखेंगे, पुंकेसर का लंबा भाग जो इसे सहारा देता है, पुंकेसर एक लंबे भाग में होता है जो इसे सहारा देता है। देखिए ये परागकोश है, ये भी पूरा है, ये सब क्या है, पुंकेसर है, ये पूरा भाग है, ये क्या है, ये हमने आपको बताया कि लंबा होता है, और ये क्या होता है, यहाँ पर परागकण स्थित होते हैं। देखिए यहाँ पर परागकण स्थित है, आपने गुलाब, आपने गुड़हल के मान में देखा होगा, मान लीजिए ये गुड़हल का है, इसमें किस तरीके से डंडी होती है, होती है सही, तो जब यहाँ पे क्या होते हैं, आपने देखे दाने दाने से लगे रहते हैं, देखिए ब्लैक ब्लैक से दाने से लगे रहते हैं गुड़हल में, जब जो थी डंडी निकली तो वही तो क्या है, इसके परागकण है। ठीक है, लिख लिया, आप लिखिए हेडिंग डालिए स्त्री केसर, स्त्री केसर ये जो भाग है ये आपका क्या है, स्त्री केसर भाग है। लिखिए स्त्री केसर में, लिखेंगे धीमे बोलो, धीमे बात करो, जायांग का ऊपरी चिपचिपा भाग, भाग गया, जायांग का ऊपरी चिपचिपा भाग जो परागकण के दौरान, जायांग का ऊपरी चिपचिपा भाग जो परागण के दौरान, जो परागण के दौरान परागकण को ग्रहण करता है, जायांग का ऊपरी चिपचिपा भाग जो परागण के दौरान परागकण को ग्रहण करता है। अगली लाइन से लिखेंगे, जायांग का मध्य एवं लंबा भाग, जायांग का मध्य एवं लंबा भाग जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है, लंबा भाग जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है, अगला भाग मादा प्रजनन भाग जो पुष्प के मध्य में, मादा प्रजनन भाग जो पुष्प के मध्य में उपस्थित होता है, मादा प्रजनन भाग जो पुष्प के मध्य में उपस्थित होता है। अगला लिखेंगे, अगली लाइन,
जायांग का निचला, जायांग का निचला फूला हुआ भाग, जायांग का निचला फूला हुआ भाग जिसमें अंडप या बीजांड होते हैं। जायांग का निचला फूला हुआ भाग जिसमें अंडप या जायांग होते हैं। तो देखिए इसमें ये बताया गया है कि स्त्री केसर के कौन कौन से भाग होते हैं। वर्टिकल सबसे पहले ऊपर यहाँ पर वर्टिकल होता है, जब कीट आके यहाँ भी यानी ये वर्टिकल है इसके नीचे, और जब कीट आके इसके ऊपर बैठता है परागण गिराता है तो ये दर्शन क्या होता है, चिपचिपा निश्चा सा पदार्थ होता है। आपने कभी कनेर देखा है, कनेर के फूल में आप कुछ में उंगली डालिए तो आपकी उंगली क्या थी चिपचिपी सी हो जाएगी और हो सकता है पीला पीला का पदार्थ भी छूटे। तो यहाँ जब परागण गिरता है तो चिपचिपाहट होने के कारण क्या होता है नीचे सरक जाता है। नीचे सरकने के बाद यहाँ कहाँ पर आ जाता है वर्टिका पर, ठीक है। वर्टिका पे आने के बाद यहाँ पर क्या है आपका अंडा पे अंडाशय है, तो यहाँ पर अंडा पर अंडाशय में आता है तो कुछ समय के बाद क्या बन जाता है बीज। आपने देखा होगा कि जब इस पुष्प खिलता है कुछ समय के बाद क्या बन जाता है एक छोटा सा फल बन जाता है। तो जब यहाँ पर बीज बनता है क्या होता है फल का निर्माण होने लगता है। फिर वो एक छोटा सा यानी कि आपका ये फ्लावर इस तरीके से निकला हुआ था, आपको नहीं बड़े कुछ भी देख लीजिए पीले पीले पुष्प खिलते हैं, फिर कुछ समय के बाद ये पुष्प आगे ऐसे लटके होते हैं और यहाँ पे तुरैया ऐसे बन जाती है। फिर कुछ समय के बाद ये पुष्प क्या होता है झड़ जाता है और इसका आकार बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बन गया है बीजांड बन गए और ये बढ़ जाती है। कुछ समय के बाद ये ऐसे हो जाती है इतनी लंबी और यहाँ का जो भाग होता है बिल्कुल टूटकर फट चुका होता है ना। तो इस तरीके से क्या अंडक में जब बीजांड में पहुंचते हैं अंडक में पहुंचते तो बीजांड बन जाता है और व्यक्ति का निर्माण से होने लगता है। तो ये था आपके पुष्प के विभिन्न अंग की अनुधर काट यानी कि पुष्प के भागों के बारे में भी आपको बताया गया कि किस प्रकार से है। तो कल इसके बाद फिर अगला टॉपिक होगा जिसका नाम होगा पादपों में लैंगिक जनन के चरण। ठीक है।